नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। चलिए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, कोरोना वैक्सीनेशन सहित विभिन्न मुद्दों पर अब अनुभव किए साझा, कहा तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी हुआ। पीएम ने कहा, हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया, इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट, पूरी तरह से पेपरलेस होगा इस बार का बजट। बजट को लेकर सभी वर्गों की आ रही है अलग अलग प्रतिक्रियाएं, मुख्य सचेतक महेश जोशी की मांग, बजट में लोगों को राहत देने की मांग। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी, विभिन्न मामलों में 38 केस दर्ज, 84 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के लखनऊ में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अभियान का शुभारंभ, वीरांगना अवंतीबाई महिला अस्पताल में की अभियान की शुरुआत। सांसद मेनका गांधी का सुल्तानपुर दौरा, आमजन की सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश। यूपी के कौशाम्बी में कुएं में गिरी 2 साल की मासूम, जान जोखिम में डालकर दारोगा ने मासूम को बचाया, ग्रामीणों ने की सराहना। यूपी के आगरा में चोरों का आतंक, 2 कार चोरी कर हुए फरार, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के फतेहाबाद में पूर्व ग्राम प्रधान की दबंग गई, एक परिवार से की मारपीट, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बाराबंकी में बबुआपुर बलेहरी गांव में तालाब की भूमि पर कराया पंचायत भवन का निर्माण, सचिव समेत 3 पर एफआईआर दर्ज। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्थित मितौला गांव में अजगर के आने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने नहीं ली कोई सुध। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ, सीएमआर में सीएम के अभियान की शुरुआत, प्रदेश भर में 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। दौसा के सिकराय में पल्स पोलियो अभियान जारी, 5 साल तक के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। झालावाड़ के आवर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 5 साल तक के बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा। दौसा के लालसोट में भी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। अलवर में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, कलेक्टर नंदुमल पहाड़िया ने किया शुभारंभ, 5 वर्ष तक के बच्चों को दी जा रही पोलियो की दवा। डूंगरपुर में निकाय चुनाव के परिणाम जारी, डूंगरपुर नगर परिषद में भाजपा का परचम, सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस की जीत। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बीजेपी का परचम, 35 में से बीजेपी को मिली 21 सीटें, 8 सीटों पर सिमटी कांग्रेस, निर्दलियों के खाते में 6 सीटें। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका चुनाव में भाजपा का परचम, 40 में से 23 सीटों पर भाजपा का कब्जा, कांग्रेस को 14 सीट। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस ने मारी बाजी, 60 में से 28 वार्डों में कांग्रेस का कब्जा, भाजपा को मिली 19 सीटें, 13 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा। पाली के तखतगढ़ में भाजपा ने रखा अपना दबदबा कायम, नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने 16, कांग्रेस ने 4 और 5 सीटें निर्दलियों के खेमे में। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में भाजपा का परचम, 20 में से 15 सीटों पर बीजेपी की जीत, भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कस्बे में निकाला विजय जुलूस। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में रोडवेज का चक्का जाम, 4th दिन भी जारी, रोडवेज कर्मचारियों के समर्थन में गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर डिपो भी बंद, अनूपगढ़ बस स्टैंड के सामने लोक परिवहन को नहीं रोकने की मांग। भरतपुर में नर्सिंग अधीक्षक से अभद्र व्यवहार का मामला, नर्सिंग कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार, डॉक्टर श्रीकांत अग्रवाल ने समझाइश कर मामला कराया शांत। दौसा के लालसोट में रफ्तार का कहर, बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। सिरोही के पिंडवाड़ा में रफ्तार का कहर, ट्रक और कार की भीषण टक्कर, हादसे में कार सवार 5 लोग घायल। बीकानेर के खाजूवाला में दर्दनाक हादसा, 2 बाइक की जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल।
पाली के मारवाड़ जंक्शन में दर्दनाक हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मृत्यु, शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस। पाली के देसूरी में हादसा, अनियंत्रित होकर पलटा अनाज से भरा ट्रक, हादसे में ट्रक चालक फरार, घायल। हरमाड़ा के विश्वकर्मा इलाके में हादसा, फैक्ट्री की दीवार गिरने से मजदूर की मौत, बिहार निवासी सुचित यादव के रूप में हुई शिनाख्त। अजमेर के मसूदा में फांसी का फंदा लगाकर युवक ने की आत्महत्या, आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ के गंगधार में किसान की संदिग्ध मृत्यु, कृषि कार्य करते समय हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। डूंगरपुर के आसपुर में पुलिस की कार्रवाई, चोरी की बाइक समेत एक बदमाश गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। टोंक के निवाई में फर्जी ट्रेडमार्क का कारोबार का भंडाफोड़, नकली पशु आहार बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा, फैक्ट्री के गोदाम को किया सील। करौली की बालघाट पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई, अवैध शराब की फैक्ट्रियों पर मारा छापा, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। श्रीगंगानगर के घटसाना में दो एसटीआर ग्राम पंचायत ने देखा भूमाफिया, लाखों रुपए की सरकारी जमीन पर किया अवैध कब्जा। झालावाड़ के डग में सड़क सुरक्षा माह जारी, नियमों के उल्लंघन पर वाहन चालकों के काटे चालान। झालावाड़ के खानपुर में बदमाश बेखौफ, घर के बाहर खड़ी कार में की तोड़फोड़, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दौसा में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए निकली साइकिल रैली, कलेक्टर पीयूष सामरिया ने किया रवाना, लोगों को किया गया वैक्सीनेशन के लिए जागरूक। जयपुर में बीपीसीएल ने किया साइक्लोथॉन का आयोजन, डीसीपी अभिजीत सिंह ने झंडी दिखाकर किया रवाना, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। नागौर के पादुकला में राम भक्तों ने निकाली प्रभात फेरी, निधि संग्रहण के लिए लोगों को किया जागरूक, 15 फरवरी तक निकाली जाएगी प्रभात फेरी। श्रीगंगानगर के घरसाना में राम मंदिर समर्पण निधि के लिए निकाली जन जागृति रैली, विश्व हिंदू परिषद ने किया रैली का आयोजन। श्रीगंगानगर के घरसाना में विज्ञान मेले का आयोजन, सरपंच संदीप सिंह ढिल्लों ने किया शुभारंभ। दिल्ली में सर्दी का प्रकोप, दिल्ली में 3 दिन होगी हल्की बारिश, यूपी में गलन भरी सर्दी का प्रकोप जारी। महाराष्ट्र में भूकंप के झटके किए गए महसूस, महाराष्ट्र का अकोला रहा भूकंप का केंद्र, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 हुई दर्ज। एवन तेज में फिलहाल खबरों का सिलसिला यहीं तक, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।